सूरज की चादर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। लियो, देर बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ। अरे मोटू कहीं के, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? वो धारीदार रुई का गोला है। अरे जाने दो उसे, मापा पंडिगा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह टेक, चलो चले देखते हैं कौन तेज है। तुमने दौड़ना तो सीख लिया ना, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक चलो भी, हमें देर हो रही है। यहाँ से कूदना बहुत आसान है, आओ चलो ना। क्या सोच रहे हो? देखो देखो मोटू फिर ऊंचाई से डर गया। चलो ना घूम कर आते हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ जरूर घूम कर आते हैं, पहुँचने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है रात हो जाएगी। मिल गया, ये रहा। तो बच्चों, जब मेरे दादाजी बच्चे थे तो टैगा के इस जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ बहुत ही कमजोर और डरपोक था और उससे उस जंगल में कोई नहीं डरता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूरज को देखकर बाघ ने सोचा कि ये सूरज दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर होगा, काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो बाघ ने तय किया कि मैं अपने पंजे उसके शरीर में गड़ा दूंगा, लेकिन एक भयानक भालू उसकी रक्षा करता था। मापा पंडिका, क्या वो आपके जितना भयानक था? नहीं नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी बड़ी काली गुफा में रहता था और चट्टानी पंजे के रास्ते की रक्षा करता था। ये वो जगह थी जहां सूरज आराम करता था। तो बाघ दांत वाले भालू को सोता देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने सूरज की चादर पहन ली। बाघ जंगल का सबसे निडर जानवर बन गया। टैगा के सभी जानवर उसके आगे सर झुकाने लगे। वो संतुलन का दिन था जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। मुझे भी अपने लिए वो चादर चाहिए। देख, मुझे पता है चट्टानी पंजे कहाँ है, मैंने वहाँ सूरज को डूबते देखा था। आज संतुलन का दिन है, आओ चले। सूरज की चादर। शुक्रिया मापा पंडिका। मुझे वो चादर किसी भी हाल में चाहिए। लियो, क्या लगता है जो मापा पंडिका ने हमें बताया वो सच होगा क्या? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सच होगा। तब तो काश ऐसा हो कि मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर बाघ बन जाऊं। वैसे हम क्यों भाग रहे हैं तुम्हें पता है? हम क्यों भाग रहे हैं बताओ। सुनो टेक, हम तुम्हारे लिए सूरज की चादर लाने जा रहे हैं जिससे तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। टेक, अब क्या हुआ तुम्हें? बस तुम्हें सिर्फ इस बड़े और चौड़े लट्ठे पर चलना है। चलो चलो। हाँ ऐसे। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। नीचे मत देखो, मुझे देखो। हो गया, ठीक है, बस ऐसे। रुको टेक, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। टेक, दोस्तों मेरे पीछे आओ, हमें सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँचना है, जल्दी करो। Thank you.
लियो हम कहाँ हैं? हम पहुँच गए। पर हम हैं कहाँ? हम लगता है हम खो गए हैं। क्या कहा? आखिर हमें जाना कहाँ है? पीछे नदी के ऊपर? अरे नहीं, ऐसे तो हमें काफी देर हो जाएगी। ठीक है, ये रास्ता नहीं है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। बहुत हुआ, मापा पंडिका ने क्या कहा था? आओ और अपने पंजे को सूरज के पेड़ पर रखो, शाम को और रास्ता जगमगा उठेगा, सूर्यास्त की तरफ दौड़ो। अरे वाह लियो, देखो क्या बात है, मुझे हमेशा से इन ट्रिक्स पर विश्वास है। क्या बात है, अरे वाह। बातें मत बनाओ और चलो जल्दी। क्या बात है लियो, मजा आ गया, ये तो कमाल हो गया, सारा रास्ता चकमका रहा है। दांत वाले भालू की गुफा है ये, तो हम आगे नहीं जा सकते। हम ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं फिर? अरे दोस्तों, वो वहाँ भागो। पहुँच गए, हमें इस रास्ते से जाना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, देखो 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 वो सूरज डूबने वाला है, जल्दी करो, भागो, तेज और तेज मेरे साथ भागो। भागो टेक, सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लियो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो ना। पागल मत बनो, वहाँ कोई चादर ना हुई तो हम क्या करेंगे? वहाँ चादर होगी, बेकार की बात मत करो, वो वहीं होगी, मापा ने कहा था, सूरज डूबने से पहले उसे पकड़ो। भागो, चलो चलो हमें वहाँ पहुँचना है, चट्टान करीब है। वाओ, हम पहुँच गए, हमने कर दिखाया, आखिर हम ऊंचाई पर पहुँच गए। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं ये दांत वाले भालू की गुफा है। किसकी गुफा है? दांत वाले भालू की? मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। हाँ वहाँ देखो, चट्टानी पंजा, वहाँ चलते हैं। लियो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है टेक, तुम यहीं रुको, मैं चादर लेके आता हूँ। सूरज की चादर, मैं महान बन जाऊंगा पूरे जंगल में, तुम अब नीचे आओ। ये आवाज कैसी है? तो टेक तो। सुनो तुम, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चादर मेरी है। घर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ, चादर बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे? हम तुम्हारी मदद करते हैं। लियो, मैं आ रहा हूँ। टेक, पकड़े रहो लियो। लियो, टेक, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं अभी आता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। टेक, तुम्हारा मोटा दोस्त डरपोक है, वो तुम्हें छोड़ गया। गंदा हो गया। टेक, तो ये तुम हो? वो कहाँ गया दांत वाला भालू? मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दांत वाले भालू को देख ही नहीं पाया। तुम्हें पता है टेक, तुम्हें किसी चादर की जरूरत नहीं, तुम दुनिया के सबसे बहादुर बाघ हो। वो आवाज दांत वाले भालू की है? कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो तुम्हें याद कर रही होंगी। अरे इस बार तो लगता है ये सच में दांत वाला भालू अरे है। अरे नहीं, वो तो मेरी माँ है, वो मुझे याद कर रही है। चलो घर चलते हैं।
तो बच्चों, सबके पास अपनी चादर होती है और उसे सूरज की तरह चमकदार हमें खुद बनाना पड़ता है, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है।